डॉक्टर समराम हिंदी चैनल को स्वागत। डॉक्टर जी, मुझे शादी होकर 3 साल हुए। मेरा हस्बैंड महीने में 3-4 बार ही भाग लेता है। गर्भ आने के लिए कितने बार मिलना है? गर्भ आने के लिए श्रृंगार में भाग लेने की संख्या पर कोई भी ताल्लुक नहीं है, संबंध नहीं है। महीने में कितने बार श्रृंगार में भाग लो, लेकिन जब औरत में अंड निकलती है उस दिन तो श्रृंगार में भाग लेना है। कब होगा, कब निकलेगा? औरत में ये महीने आने के समय से संख्या को काउंट करके, आज महीना आया, महीने आज से उसको काउंट करना है। आज एक है, कल दो है, ऐसा ऐसे करके 12 दिन से 16 दिन तक बीच में अंड निकलती है। 12 से 16 दिन का ठीक ठीक बना तो मिडिल ऑफ द मंथ 14 दिन पर अंड निकलते हैं। कुछ लोग में 2 दिन पहले होगा, 2 दिन, इसलिए 12 दिन से महीना आने के समय से काउंट करने से 12 दिन से 16 दिन तक अंड निकलेगी। उन दिनों में श्रृंगार में भाग लेने से गर्भ आने की संभावना है, लेकिन कुछ लोग उन दिनों में भाग लेने पर भी उनको तो गर्भ नहीं आएगी, बहुत अलग कारण है। कुछ औरत में PCOD होगा, कुछ औरत में ट्यूबल ब्लॉक होगा, कुछ औरत में गर्भ में कोई भी बीमारी होगी, इस तरह इसके कारण उनके गर्भ नहीं आएगी। लेकिन हेल्दी वुमन को गर्भ आने के लिए श्रृंगार में बराबर 12 दिन से 16 दिन तक श्रृंगार में भाग लेना है। स्त्री में महीने में एक ही बार एक ही अंड निकलेगी, एक ही बार एक ही अंड निकले, वह भी महीना के बीच में होगी। इसलिए गर्भ आने के लिए कब मिलाने ऐसा नहीं है, जरूर मिडिल ऑफ द मंथ जरूर उनको श्रृंगार में भाग लेना है, तभी जरूर हो जाएगा। और कुछ लोग क्या करते हैं, वही तो महीना आने के बाद 5वां दिन से 10वां दिन ऐसा भाग लेते हैं, बीच में भाग नहीं लेता, भाग नहीं लेने से गर्भ नहीं आएगा। ऐसे कुछ लोग तो महीना आने के पहले वही तो भाग लेते हैं, वैसा भी कोई कम नहीं। इसलिए गर्भ आने के लिए जरूर मिडिल ऑफ द मंथ महीना के बीच में वे श्रृंगार में भाग लेना है, तभी आ गया। लेकिन एक बार डॉक्टर के पास जा करके, जो कोई नहीं गर्भ, किसी को गर्भ नहीं आता, डॉक्टर के पास जाकर उनको पूछना क्या है, उनमें कोई और एक का कोई दोष है, उसको कोई इसके लिए चिकित्सा करना है तो कर लेना, करने से। लेकिन गर्भ आने के लिए इनका हस्बैंड तो महीने में 3-4 बार हुई भाग लेता है, इसका अर्थ है वह तो गर्भ जो अंड निकले के समय वो तो सेक्स में भाग नहीं लेता, अंड निकले के समय। एक बार समझा, एक बार औरत में अंड निकलेगी उसको वीर्यकंठ से शुक्राणु से मिलने का समय केवल 12 घंटे तो 24 घंटे हो गया, केवल 12 घंटे 24 घंटे। वीर्यकंठ को तो 3 दिन का शक्ति होती है, 3 दिन होता है, इसलिए आज वह सेक्स में भाग लिया, वीर्य तो गिरा यूनिमार्ग में, कल और परसों वो अंड निकली, स्त्री में अंड निकली, जो वीर्य योनि मार्ग में गिर गई वो उसमें शुक्राणु से कल निकली अंड से मिलकर गर्भ आएगी। इसे वीर्यकंड को 3 दिन तक शक्ति होगी अंड से मिलने के लिए, लेकिन अंड को एक बार निकलने से 12 घंटे से 24 घंटे हो, केवल 12 घंटे से 24 घंटे शुक्राणु से मिलने की शक्ति हुई, शुक्राणु से मिलने के बिना गर्भ नहीं आएगी। इसलिए ये तो देखना है, ऐसे वो भाग लेने से बराबर 12 दिन से 16 दिन तक जरूर मिलने से गर्भ आने की संभावना है। और एक इंटरेस्टिंग टाइप से फिर मिलेंगे, तब तक विदा लूंगा, नमस्कार। फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड एक्टिवेट द बेल आइकॉन।